गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अदर डे। कैसे हो भाई लोग? मजे में हो गया हो? मैं भी मजे में हूँ। कल के दिन मस्त रहा, स्विमिंग करी। गुड मॉर्निंग, कैसे भी आप? कल का दिन सही रहा है। हाँ, उठे तो हमारा पूरा ट्रैवलिंग में करने के लिए भी दिल्ली से लेट ही थे सक्षम को स्कूल से लेके, तो वह ठीक था। ओवरऑल थोड़ा सा पंगा हुआ गाड़ी वाड़ी में, चार्जिंग वार्जिंग को लेके परेशान हुआ दो जगह, क्योंकि फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही थी, स्लो चार्जिंग हो रही थी। और स्लो चार्जिंग से भी मेरे उसमें ना, मैंने ऐप के थ्रू देखा तो गाड़ी अभी 100% चार्ज हो चुकी है। तो अभी तो 3 सो ही है, मैं तो सो उठी अपने टाइम पे, और मैंने सोचा कि लंबा सा वॉक हो जाएगा। और गाड़ी यहाँ से 300-400 मीटर दूर है चार्जर, 300-400 मीटर क्या, और थोड़ा लंबा वॉक करके आ जाऊँगा और गाड़ी लेके इधर ही आ जाऊँगा, क्योंकि अब जो भी हुआ नहा धोने का कहीं का प्लान बनेगा। देखते हैं क्या, 2-3 चीज़ें सोची हैं कहाँ जा सकते हैं। अच्छी बात है गाड़ी 100% है तो कहीं भी जा सकते हैं अभी तो। वैसे तो अपनी गाड़ी इस वाली प्रॉपर्टी के पार्किंग में खड़ी है, पर छोटे ये तो बहुत ही पास है, बिल्कुल रोड पर वॉक करना ठीक लग रहा है। तो इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है जैसे पीछे ना, बिल्कुल तो देखो पीछे पूरा खाली भरा हुआ है। तो इधर से आवाज़ सुन रहे हो, कैसी आवाज़ आ रही है? देखो आती ना वो किसी झिंगर पिंगर की होती है, लेकिन जंगल वाली एरिया में आते हैं ट्री 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 ट्री, वो एक तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट वाली आवाज़ मस्त है। मज़ेदार वॉक हो गया अच्छा खासा, और अच्छा खासा वॉक हो गया क्या, चल रहा है अभी तो। मैं एक साइड से वापस घूम लिया, अभी काफ़ी आगे निकल गया था और अब वापस निकल लेगा, क्योंकि वापसी भी जाना तो वॉक कम्प्लीट हो जाएगा और वहाँ से गाड़ी लेके सीधा फिर अपनी प्रॉपर्टी में। भाई ये जो एरिया ना ढिकुली, यहाँ की सबसे प्राइम लोकेशन है। इसमें इस वाली साइड में ना पूरे में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ और जितने भी यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं इस लाइन में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। हर तरह के हैं वैसे तो, देखो अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो कोई भी एरिया की जो प्राइम लोकेशन है, जिमको रोड बहुत बड़ा है, अलग अलग कितने गेट हैं, 6-7 गेट हैं इसके, तो आप कहीं से भी सफारी कर सकते हो या घूम फिर सकते हो। लेकिन ये प्राइम लोकेशन इसलिए कि हैपनिंग प्लेस है, अगर आपको हैपनिंग प्लेस चाहिए तो ये एरिया आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपको पीस चाहिए तो आप यहाँ से दूर दूर की जो प्रॉपर्टी उनमें भी जा सकते हो, लेकिन उसमें भी प्रॉपर्टी से बाहर कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी में खाना, प्रॉपर्टी में रहना, बाहर होता ही नहीं है, चाह के भी कुछ नहीं होता। अपन गाड़ी में आ गए और गाड़ी फुल चार्ज है 100, और यहाँ से दिखा रहा है कि 245 किलोमीटर चलेगी गाड़ी अभी, तो इनफ है आज के लिए, तो बहुत इनफ है। क्योंकि आज मुझे पता है ज़्यादा घूमने का सीन है नहीं, जितना भी घूमेंगे 244 तो नहीं चल सकते आज में। और प्लान मैं कर रहा हूँ यहाँ से शायद नैनीताल साइड जाएं, और ये भी 244 दिखा रहा है ना, जैसे गाड़ी चलेगी ना 244-260-270 पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी खड़ी गाड़ी है ना तो इसलिए दिखा रहा है, चलते थोड़े से रेंजेस की वापस आ जाएगी, बता देगा ओरिजिनल रेंज तब बताएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले अपने होटल चलते हैं, वहाँ की पार्किंग में से लगाते हैं और देखते हूँ वो उठे, उठा तो कोई नहीं होगा, अगर उठे होते तो मेरे पास कॉल आ गया होता। भाई देख रहे हो अभी ये रेंज जो है 259 दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ से एसी बंद कर दूँ तो ये होगी 288, तो इतना बहुत है मेरे लिए आज के लिए। एसी तो खैर नहीं बंद करूँगा मैं, 259 किलोमीटर भी बहुत है यार, मुझे तो लगता है 150 किलोमीटर या इससे ज़्यादा नहीं चलेगी आज के दिन में। हालांकि मैंने ट्रिप कर दिया, ट्रिप ए जो है जीरो कर दिया, देखते हैं बाकी कितनी चलती है। अभी पहले अंदर चलते हैं, सोते को उठा दूँ क्या, टाइम हो रहा है 7:04, नहीं यार सोने देते हैं, उनकी छुट्टी है भाई, स्कूल की छुट्टी है, मंजू की काम की छुट्टी है, तो मनाने दो इन्हें भी छुट्टी। भाई मंजू ने चाय पीनी थी, चाय है अब यहाँ की चाय तो अच्छी लगे ना, तो मेरे इंतजाम देखो क्या है। ये भाई पूरा इंतजाम है हमारे पास, देखो पता है कुछ टूर पर जब मैं तीर्थन गया था ना हिमाचल, तब मैंने बहुत सारा सेटअप बना लिया था ऐसा, वो पूरा का पूरा बॉक्स उठा लाया, अब हम यहीं चाय बनाएंगे रूम में ही। पानी ज़्यादा डाल दिए, दूध की थैली हमने कल ले ली थी, फिर चाय का ठेला लगवा दें यहीं पर, देख रहे हो भाई बढ़िया बना दी एकदम से, घर की चाय का मजा लेगी यहाँ पे। कल से मिली नहीं है ना, कल से फेवरेट चाय ना मिली है वो ना, खुली धूप आ चुकी है बाहर, हो सकता है थोड़ा पूल में पहुँच जाए, सक्षम की डिमांड तो है, जा भी सकते हैं क्या दिक्कत है। मंजू चाय वाली की चाय, मंजू चाय वाली ले आओ बना दी। सक्षम तू ना मेरे चाय बेटे, कोई बात नहीं, चाय का शौक ऐसे मुझे भी ना सक्षम ने तो छोड़ ही दिया, मैं कभी कभी पी लेता हूँ, बट अब जैसे यहाँ आके अब आए हुए ऐसे बनी तो पी ली,
अंजू तो चाहिए चाहिए, अगर शायद ना मिले टाइम पे तो सिर पे वो कपड़ा बांध के फिर वो बन जावे, क्या बन जाए बताना। सेक्शन की डिमांड पे मेरा भी बहुत मन कर रहा था भाई, थोड़ा सा लेजी लेजी हो रहा है, आराम से उठा है, पूरी नींद मार के घर पे भी आराम से उठा है, वो उनसे जल्दी उठने वाला है, जब उसका मन करे जल्दी उठना है तो 5-7 दिन जल्दी जल्दी उठ के वर्कआउट वर्कआउट करेगा। अरे भाई आराम से उठेगा, 11-11 बजे जिम जाएगा, अकेले करके वर्कआउट आ जाता है। अभी आ गए हम दोनों पूल पे, आलसी भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, एक ही कुछ खाली है पूल चाहिए, धूप भी इस टाइम कम होती है ना, मज़ा ही आएगा ना भाई। सक्षम का टारगेट है आज आदमी स्विमिंग सीखने का है। सक्षम ये देखो ये पानी के ऊपर ऊपर कैसे कोई स्विमिंग कर, इधर देख रिकॉर्ड हो रहा तू और वो जो हंस रहा है उसे भी स्विमिंग आती ना कुछ घंटा, मतलब ये मेरे बेटे हो गए ना स्विमिंग ना आती, कितनी शर्म की बात है। और पता मुझे स्विमिंग आई कहाँ से, दिल्ली में ना एक होता था वाटर पार्क ऑस्ट्रेच अपू घर के अंदर होता था, वहाँ से स्विमिंग आई थी, इतना जाता था भाई, इतना ज़्यादा स्विमिंग आ गई थी वहाँ से। भैया सक्षम को मैंने स्विमिंग फाइनली सिखा दी, आगे तो है कि वो लास्ट स्टेप इसने बहुत अच्छा मारा, इसे मैंने ब्रह्मास्त्र सिखा दी, स्विमिंग का ब्रह्मास्त्र। अभी चलते हैं नहा धो के निकलते हैं, फिर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा यहीं प्रॉपर्टी में ही है, उसके बाद बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आई थिंक हम नैनीताल जाने वाले हैं। सो भाई चारों रेडी हो चुके और अपन निकल चुके हैं यहाँ से, अभी हमने होटल चेकआउट नहीं करा है, हमने वापस यहीं आना है। पहले माइंड में पता क्या था कि चेकआउट करके निकल जाए नैनीताल, फिर कहना चेकआउट क्यों करना है, यहीं वापस आ जाएंगे, 2 घंटे का रास्ता ही है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, 3-4 घंटे वहाँ लगाना और क्या। भाई मुझे तो पूरी सब्ज़ी मिल जाती है, ब्रेकफास्ट में मेरा काम बन जाता है, पोहा नहीं है, पोहा की जगह सेवियाँ टाइप कुछ है वो भी ठीक है। सक्षम को पैटोस खाना है, मंजू तेरा क्या, पूरी सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी, मंजू को पूरी सब्ज़ी ही पसंद है ना, इतन तुझे कुछ भी ना है, पूरी सब्ज़ी खाएगी उसकी भी बुराई कर देगी, अभी भी बुराई कर देगी भाई, जो भी खिला दो इसे कहीं पर, अभी इसे आज तक कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा है ना, अपनी लाइफ में तो कहीं का खाना अच्छा लगा घर के अलावा, घर के अलावा। सेशन तू क्या खा रहा है, टोस्ट, टोस्ट पूरी सब्जी नहीं खा रहा, चल ठीक है भाई। 1 घंटा 56 मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ से हम पहुंचेंगे नैनीताल, इसे बोल के ले जा रहा हूँ कि ठंडा हुआ है यहाँ से, ठंडा तो नहीं होगा, हमें पता है पक्का नहीं, बट होता क्या दिन में ना, दिन में पहाड़ हमेशा गर्म होता है, जब धूप होती है तो नॉर्मल वाले धूप भी आ जाती है, आपने कहा था वहां पर रोज बारिश हो रही है, मुझे तब तक बारिश दिख रही है, कल हुई नहीं थी बारिश, हां हुई थी, क्यों जब हम पूल में थे तब बारिश थी, अरे ना तब बारिश थी, और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने निकल रहे थे वहां तब बारिश थी, तो वो थी ना बारिश, उससे फर्क पड़ा टेम्परेचर में, हम पहले भी यहाँ कई बार आए हैं, कुछ ऐसे मौसम में आए कि एसी भी फेल हो जाता है, बट इस बार ऐसी गर्मी ना भाई, ठीक है मौसम और एसी बच्चे, ये है मतलब जैसे जिम कॉर्बेट एक दो बार पहले आए इतनी गर्मी रहती थी, हाँ हाँ उस हिसाब से अच्छे पे वो नहीं है, एक दो बार हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब है जिम कॉर्बेट का, गर्मी का इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि एसी फेल हो जाए, तो हम डिक्लेयर कर चुके थे अब नहीं आएंगे जिम कॉर्बेट, देखो बाहर तो अच्छी हवा चल रही है, अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर ठीक है, बुरा नहीं है भाई। ये पूरा जंगल एरिया है, यहाँ पे शेर भालू चीता हाथी कुछ नहीं मिलता, वो बहुत अंदर मिलते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल बहुत बसावट एरिया है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ एक ही जानवर है, एक जानवर मिलता है यहाँ पे, बस देखा था तूने, मैं पूछ रहा हूँ तूने देखा था क्या, यहाँ पर ना फ्रेश लाइम सोडा और ऐसे एक छोटा सा काउंटर मिलेगा, क्योंकि पी लेते हैं फ्रेश लाइम सोडा, पहाड़ों वहाड़ों में अच्छा लगा पीना, और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट है, अभी हम जो है ना जो नैनीताल की तरफ जाते हैं ना, यहाँ से स्टार्टिंग है पहाड़ों की भाई, नैनीताल से जस्ट 12 किलोमीटर पहले है, और मौसम चेंज होने लगा है, यहाँ से बूंदे भी आ गई शीशे पे कई बार, और फॉग भी नजर आ ही रहा, देख रहे हो गजब है टेम्परेचर, मस्त मिलने वाला, अभी पीछे छोटी सी ना 10-5 दुकानें थी, तो उनमें जो 2-4 बंदे थे उन्होंने ना स्वेटर भी पहना हुआ था, इससे मालूम पड़ता है कि शाम वाम के टाइम यहाँ पे मस्त हो जाता होगा। ट्यूसडे को मतलब यहाँ पे ट्यूसडे को भी पार्किंग फुल है, बहुत बड़ी बात है, ये देख रहे हो यहाँ पे, मतलब उधर से गाड़ी निकल रही है तो यहाँ से गाड़ी जा रही है, 2-4 गाड़ी निकली तो 2-4 गाड़ी अलाउ करी है, ट्यूसडे मतलब वीकडेज में इतनी भीड़ कैसे होती है, पार्किंग फुल भरी पड़ी है यार, यहाँ पे पता है 22 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब समझ रहे हो, अभी वहाँ पे थे हम 32 डिग्री टेम्परेचर में, यहाँ 22 में आ गए, 10 डिग्री का फर्क अच्छा खासा फर्क होता है, बहुत बड़ा, अब हम तो क्या ठंड ऐसा नहीं लग रही, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ रही हैं, हमें लग रहा है बारिश और तेज़ हो जाएगी,
और यहाँ पे जो लोकल लोग दिख रहे थे ना, अभी हम जो आ रहे थे पार्किंग पे आ रहे थे, लोग जैकेटों में स्वेटर में, अभी भी इस महीने में भी। सो भाई फाइनली लाइफ जैकेट वैकेट पहन के हम आ गए हैं लेक में। इस वाली बोट में मैर सक्षम है और उस वाली दूसरी बोट पीछे है हमारे यहाँ पे, उसमें मंजूर भाई हुए हैं अभी होंगे साथ साथ ही। एक बड़ा सा लंबा सा राउंड मारा है, दो तरह के राउंड होते हैं यहाँ पे, एक हाफ एक फुल। हाफ 320 का पर बोट का, एक बोट में दो लोग होते हैं, और लॉन्ग वाला राउंड 420 का होता है। यहाँ पे यही है, एक बोट में दो लोग होंगे, बोट का चार्ज होता है, बंदे का चार्ज भी होता है। तो पहले मुझे याद है, बट पहले बोट थोड़ी बड़ी थी, पता नहीं क्या था, हम एक ही बोट में ज़्यादा लोग भी आ रखे हैं, पहले बैठ रखे हैं, बट कह रहे हैं ठीक है, टाइम के साथ थोड़ी सी स्टिकनेस हो गई है, सही है, बट लाइफ जैकेट पहन लिए तो मतलब थोड़ी सेफ्टी भी है, ऐसा होना भी चाहिए। टेम्परेचर ने तो साथ दे दिया, अच्छा हवा चली ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, पीसफुल तो है यार, अच्छा लग रहा है, बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कई बार बूंदे बूंदे भी पड़ जा रही हैं, तो ऐसे में आराम से शांति से बोट चले जा रही है, पिन ड्रॉप साइलेंट, अच्छा लग रहा है बेटा, है ना, कितना सही लग रहा है ना। ऐसे बोटिंग की हुई है हमने पहले भी, बट हर बार से अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके पीछे वजह होगी टेम्परेचर, अच्छा मौसम है तो इस तरह से अच्छा लग रहा होगा। सो भाई अपना राउंड पूरा हो गया फाइनली, और मंजू और वाई वो पहले उतर चुके हैं, देखो वहाँ पे, अब देखो ये ना ऐसी धक्का मार के अंदर ले आएंगे बोट को, गजब टेक्निक है भाई, देखो स्पेस है नहीं, ऐसी घुस जाएगी और थोड़ा साइड वाइड करके जगह बनाई लेंगे। पहले के मुकाबले ना मुझे लगा थोड़ा सा मतलब डेवलप लग रहा है मॉल रोड, इस मॉल रोड पर ना पहले कोई ऐसे ब्रांड नहीं थे, यहीं के लोकल ब्रांड या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तो थे, रेस्टोरेंट तो अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें पहले से बैठ हुई हैं, जैसे अभी देख रहा था एलन सॉली, वुडलैंड, तो ऐसे इस तरह के ब्रांड भी यहाँ आने लगे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगली बार आऊँ तो और ज़्यादा बड़े ब्रांड आ जाएं और अच्छे से ब्रांड आ जाएं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ और ढूंढने की खाने की, बट घूम फिर के मचान पर आ जाते हैं, हम यहाँ पहली बार नहीं खा रहे, हम हमेशा ही खाते हैं, हमारा फेवरेट हो चुका है यहाँ आने के बाद मचान पर। और यहाँ से व्यू, माल रोड का व्यू पूरा ऐसे दिखता रहेगा, बट कुछ खास देखना नहीं है, अंदर ही बैठ के इस टाइम फूड पे फोकस करने, भूख लगती है चारों को। एक नंबर दाल है, चटनी, रायता, रायता मैंने ट्राई नहीं करा, दाल मैंने ट्राई करी और उसकी चटनी और प्याज मैंने ट्राई कर लिया, एक नंबर है। इन्होंने हनी चीनी पटेटो मंगाया था, कैसा है ना कैसा, मज़ा आ गया मुझे, क्वान्टिटी देख लो ये फुल भर के आया था, वो अलग बात है हम सब ने खाया है, बट एसी था बढ़िया, इस सेक्शन में कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, और ये कोल्ड ड्रिंक घर में गिराई होती तो तेरे साथ क्या होता। भाई क्या सीन है देख रहे हो यार, गजब का, बारिश तो हो ही रही है हल्की हल्की सी, और कैसे फॉग फॉग आ रहा है बिल्कुल रोड पे ना, ऐसे आ रहा 100-200 मीटर फॉग है फिर खाली, फिर फॉग है फिर खाली, गजब। और अब ढलान पे अलग ही मजा ड्राइविंग का, और इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी अब ढलान पे, पता है ये देख रहे हो, थोड़ी देर में अभी वन थर्टी फाइव दिखा रहे हैं ना, और जबकि हमें यहाँ से अभी जाना है 70 किलोमीटर, वो ये देखो फिर से फॉग भाई, सीरियसली यार बाईस डिग्री से जो है ना 32 डिग्री में आ गए,
मौसम में फर्क आ गया, लेकिन धूप तो नहीं है बट वैसे टेम्परेचर में फर्क है। ए सी 33 डिग्री दिखा रही है गाड़ी बाहर का टेम्परेचर अभी, तो थोड़ा बहुत AC भी चलाना पड़ गया आधे रास्ते के बाद। और अभी हम जिम कॉर्बेट से पहले ही है, मतलब है तो नीचे ही, कालाडूंगी पार कर चुके हैं। और कहाँ आ गए हम आ गए हनुमान धाम। हनुमान धाम, हनुमान मंदिर है यहाँ पे, बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, बहुत अच्छा भी बना हुआ है अंदर से। मैं पहले भी आया हूँ, मैं 2-3 बार आ रखा हूँ मैं तो, और हम भी मतलब चारों यहाँ पहले भी जब भी आए हम यहाँ पे होके गए हैं। और मंगलवार का दिन है आज, सक्षम तो वैसे भी डेली प्रसाद बांटता है, तो सक्षम प्रसाद ले ले बेटा यहाँ से, अपना शेड्यूल मत तोड़ियो। ये देखो भाई यहाँ से दिखने भी लगा मंदिर, बहुत बड़ा और बहुत आलीशान मंदिर है। अच्छी बात एक और है कि मौसम अच्छा है। एक बार पता क्या हुआ, यहाँ पे इतनी गर्मी थी और वाइट मार्बल पूरा ना पैर फूक गए थे बहुत जोर से भाई। ये देखो यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं पहले, फिर दर्शन कराते हैं आपको बजरंगबली के। मंदिर परिसर में वीडियो अलाउ नहीं थी तो मैंने बनाई भी नहीं, बट सक्षम ने थोड़ी सी बनाई और सक्षम को वहाँ पे रोक दिया गया भाई। एक बार को तो इतनी ह्यूमिड होगी, इतनी गर्मी होगी ना वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हम बारिश में से आए और वहाँ पे भी हल्की हल्की सी धूप जैसा भी होगा माहौल, धूप ही ना नागे लगा, लेकिन ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब निकले ना गाड़ी बैठे AC चलाया एकदम से मिनिमम टेम्परेचर पर, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे अभी 35 दिखा रहा था गाड़ी के हिसाब से, और वहाँ 22 भाई। भाई इतने टेम्परेचर में एकदम से चेंज आना ना बड़ा फर्क पड़ता है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं होटल, अपनी प्रॉपर्टी में, रिजॉर्ट में, और यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 18 मिनट का, फिर उसके बाद का क्या प्लान होगा वहीं जाकर डिसाइड करते हैं। मैंने इन्हें उतार दिया रिजॉर्ट के बाहर, और यहाँ से कोई 500 मीटर आ गई चार्जिंग स्टेशन है, इसको चार्जिंग पे लगा के आ जाता हूँ। वैसे तो अपनी बैटरी अभी 49% बची है, कल जब भी निकलना ही है तो उस हिसाब से फुल कर देंगे। अभी अभी लगा के छोड़ देंगे, जितनी होगी हो जाएगी, दोबारा निकालना हो तो फिर ले आऊँगा। कोई प्लान अभी यहाँ से आगे क्या बनता है कुछ अभी कन्फर्म नहीं है, तो बेटर है कि यहाँ गाड़ी खड़ी रहने से बेटर है चार्ज हो जाए। अब मैं आ गया अभी रूम में, और ये पहले से ना वाइस सेक्शन तैयारी कर रहे हैं पूल में जाने की, और मंजू की तैयारी चल रही है चाय बनाने की। भाई ये मंजू के लिए वरदान हो गया, क्योंकि बाहर की चाय देखो एंड ऑफ द डे नहीं मिल सकती हमें, घर जैसी चाय जैसे हम पीते हैं वैसी नहीं मिलती, तो मंजू ने मस्त चाय बना रही है। किन्नर बन जाएगी 5 मिनट में चाय आ रही है, चाय की बढ़िया बन गई, सही है। मंदी आज पे रख ले, बहुत देर तक अभी ऐसी हो गई, बहुत देर हो गई, सही है। भाई मेरे कब मेरे किसी ने तीर्थन के ब्लॉग देखे होंगे ना, उसे बताऊंगे कब मैंने कब लिए थे, बहुत सही काम की चीज ली ना मैंने, मानते हो। आने वाले ब्लॉग्स में मैं ट्रैवलिंग पे कैंपिंग वैम्पिंग बहुत सही चीज़ प्लान करूँ, तब काम आएंगे सारी चीज़ें। जैसे दे ना ये बनाए से थोड़ी ना ये रख दिए यहाँ पे, बिस्किट खोल एक प्लेट में अच्छे से दे, और यहाँ पे ट्रैवल पे आ गई तो ज़्यादा मतलब मैं करूँ इन सारे काम, तू क्या करेगी यहाँ पे, जल्दी कर, अरे जा प्लेट में डाल के तुम्हें सही से नहीं छुट्टी माननी दिख रही थी। हाँ तनखा काट दूँ, नीचे आ गए हम दोनों स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग का हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब सीरियसली भाई इस उम्र में ना स्विमिंग नहीं आती, हमें इतने ऑप्शन नहीं मिले थे पूल वूल के, उसके बावजूद भी सही स्विमर थे हम। सक्षम को आ गई स्विमिंग, सही कर रहा है सक्षम, एक बार और सक्षम दिखा दे अपनी स्विमिंग। भाई सक्षम ने एडिटिंग करी है, जो फर्स्ट डे व्लॉग था ना उसकी एडिटिंग सारी सक्षम ने करी है, तो कैसी निकल गएगी। अगर जब आप पहला व्लॉग देख रहे होगे ना तो उसमें बताना सक्षम के बारे में एक लाइन, कितनी अच्छी करी है कितनी बेकार करी, ठीक है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई सीधा डिनर करने, भूख लग रही है हमें, टाइम क्या हुआ पता है 9 बजने वाले हैं,
और हम वो लोग हैं जो घर पे 7-7:30 बजे खाना खाते हैं जल्दी, लगे हुए जैसे टीवी चला के इसने अरुण पवार के वीडियो चला रखे थे बहुत देर से, अरुण पवार का बहुत बड़ा फैन है। क्या बोल रहा है भाई? मीठा खा के जाऊंगा। ये मीठा ले, अबे मीठा बाद में क्यों रखने ना, प्रसाद है भाई वहाँ का, रख दे खा गया भाई। एक नया इन्होंने रेस्टोरेंट खोजा नहीं है, सिम्मी ने इन्हें बताया है, डिनर्स विला करके यहाँ पे इसी रोड पे है। सुबह वॉक करते हुए देखा भी था मैंने ना, ज़्यादा दूर नहीं था बट 1 किलोमीटर था, तो मैं पैदल आना मुश्किल था तो मैं गाड़ी निकाल ली। अब इन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे डिनर्स विला पे डिनर करा के फिर वापस गाड़ी छोड़नी पड़ेगी मुझे वहाँ पे। हमारी गाड़ी की ना बेल्ट ना लगाने से जो बेल बज रही है ना वो भी बंद नहीं हुई और इससे पहले पहुँच गया, इतने पैदल नहीं चल सकते थे हम, बताइए। ये रहा बढ़िया है, इससे ज़्यादा मैं आगे गया था सुबह वॉक करते हुए भाई। ये आगे डिनर्स विला रेस्टोरेंट, दिन में जब मैं वॉक करके आया था इतना सुना सुना से लग रहा ना, पता नहीं लग रही बट कॉन्सेप्ट वही है, लाइव म्यूजिक है यहाँ भी, आवाज़ आ ही रही होगी बैकग्राउंड में। चल के देखते हैं फिर से फूड कैसा है, सिम्मी ने बहुत तारीफ करी इसकी इसलिए आए हैं यहाँ पे। Hello, how are you? भाई खाना खा लिया, विलेज वाटिका के मुकाबले मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर मैं 10 में से 9 पॉइंट देता हूँ तो 10 में से 8 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक था, एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और अभी एक ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं फिर चार्जिंग पर लगाते हैं और फिर होटल जाते हैं। भाई राउंड तो मार के आगे रोड रोड पर ऐसे ही कि सोचा था कि मतलब कुछ दिख जाएगा, सही होता है कुत्ता भी नजर आया। बहुत पहले मुझे याद है एक बार बहुत सालों पहले मैं आया था तो ऐसे ही ना यहाँ पर रुका था, तो रात को ऐसी लंबी सी ड्राइव पे निकल पड़ा तो ऐसी छिपकली एक दिखी थी, एक कुछ सियार भी आर जैसा कुछ दिखा था, ये नहीं पता था वो कौन सा जानवर है ऐसे, बट मुझे नज़र आ रखे हैं। बट अभी हम आ गए कल वाली लोकेशन पर आइसक्रीम खाना है। अंदर तुमने इतना अच्छा एसी चला रखा, तुम खुद गाया वो बताओ है, एसी हमारे लिए चलाया है, तुम भी बैठ सकते हो कोई दिक्कत, तुम्हें कहाँ इसी मजा आएगा, तुम नेचर के मजे ले रहे हो जहाँ पे सवार है नेचर के लिए है। भाई मिलेंगे अगली बार जब आएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे अगली बार, नहीं आ जाते हैं, साल तो कहाँ लगाते हैं हमारे, पहले चक्कर लग जाते हैं यहाँ पे। सो भाई आज का दिन हम यही खत्म करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को अगर हम पूरा देख लेते हो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई मस्ती नए जोश नए दिन के साथ।